बात तो सॉरी कि मैं बहुत लेटे के इतने देरी के बाद मैं आपके सामने आई हूँ। सो लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि हमें खुद भी नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे में मेरी लाइफ तो थी वो बहुत बिजी थी, कभी घर का, कभी त्यौहार थे तो इतने सारे काम थे, कभी मैरिज से टाइम जो मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया है, तो प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे वॉच कर लीजिए, देख लीजिए। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है नारियल का तेल। उसके साथ आपको अपने पैरों पर, अपने फिंगर्स, हैंड, बाजू पर, अगर चाहे तो बालों में भी लगा सकते हैं, तो गर्दन पर, जहाँ पर भी आपके ब्लैकिश हो या फिर आपकी स्किन है जो ड्राई हो, तो आपको ये उस पर अप्लाई करना है। अच्छे से हमें इसकी मसाज देनी है, हमें इसके साथ अच्छे से, इसके साथ हमें अच्छे से अपने हैंड पर, पैरों पर, जहाँ पर भी हमें अपनी स्किन है जो वो ड्राई लगती है, तो आप इसको यूज़ कीजिए प्लीज़। जो आपके बजट में भी है और आपके स्किन पर, ये हर स्किन पर जाता है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पर, ड्राई पर, ऑयली पर अलग अलग जाएगा, क्योंकि ये ऐसा ऑयल है जो हमारी स्किन है उसके अकॉर्डिंगली ये अपना चेंज कर लेता है अपना जो भी। ये अगर ऑयली स्किन है तो हमें ये नॉर्मल स्किन देगा, अगर ड्राई स्किन है तो हमें ये नॉर्मल ही स्किन देगा जो हमें चाहिए होती है। मेरी स्किन भी बहुत ड्राई है लेकिन मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ अभी तक तो, क्योंकि कोई भी मॉइस्चराइजर मुझे लगा नहीं कि कोई सूट है मेरी स्किन पर जाएगा। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं फुल विंटर डेज में। तो आपको सिर्फ ये, मैं नाइट को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नाइट को हमारी स्किन जो है वो बहुत ही रेस्ट पे चली जाती है। हम सो जाते हैं तो हमारी स्किन को कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि हम बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं दिन में तो इसको अगर लगाकर जाते हैं ऑयल को, किसी भी ऑयल को,